यह है गोवा की रंगीन जगह जहाँ पर विदेशी लोग रात में इकट्ठा होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल आज कैसा है और चारों तरफ लगभग 70% विदेशी हैं और उसमें से 70% में से 50% रशियन हैं। तो यह एक ऐसी जगह है जहां पर सारे विदेशी लोग रात में इकट्ठा होके पार्टी जैसा माहौल बना देते हैं। और यह जगह कहां पर है? गोवा में है, इंडिया के गोवा में। तो आप यहां पर कैसे आ सकते हो और यहाँ पर आने के लिए क्या कंडीशन है और आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको गोवा से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आने के लिए मुझे केवल 100 रुपीज़ देना पड़े है, मीन्स 100 रुपीज़ का एंट्री टिकट्स। लेकिन इसके बाहर ही आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को बोलेंगे कि मैं रशियन दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, रशियन लड़की दिलाऊंगा। उनकी चक्कर में मत आना, आप जस्ट यहाँ पर एक काउंटर है बाहर, वहाँ पर आना और 100 रुपीज़ दे के जस्ट अंदर आ जाना। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सो देट आपको समझ में आ जाए। चारों तरफ आपको विदेशी विदेशी लोग दिख रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या गोवा है, क्या इंडिया है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ यह गोवा है और गोवा में ऐसे ही माहौल रहता है रात में। और यह एक रंगीन जगह है जहाँ पर विदेशी लोग इकट्ठा होते हैं रात में। और ये देख सकते हैं रंगीन, चारों तरफ कलरफुल ही कलरफुल चीज़ें आपको दिखेगी। वो आगे एक प्रोग्राम चल रहा है, तो चलिए वहाँ पर चल के मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो यहाँ पर कंसर्ट प्रोग्राम भी चलता है। ये एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ पर लाइव म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा है। जैसे कि वो स्टेज दिख रहा है ना आपको, आपको आवाज़ें भी हो सकता है सुनाई दे रही हो। और ये लाइव प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है और लोग लाइव प्रोग्राम का मज़ा ले रहे हैं। और ये विदेशी लड़की मेरे लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं खड़ी हुई है, और इसके आगे बहुत सारे विदेशी और देसी और भारतीय लोगों की भीड़ जमा है। तो इस जगह के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यह है गोवा का फेमस रंगीन जगह है, मीन्स फेमस फ्राइडे नाइट मार्केट है, जहाँ पर आप हेयर कट भी ले सकते हैं लड़कियों के हाथ से। उसके बाद और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये लड़कियाँ हाई वाई कर रही हैं। तो इसे फ्राइडे नाइट मार्केट कहा जाता है और यह बागाटोर बीच के पास है। और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग अपनी दुकान लगाते हैं, अपने कंसर्ट प्रोग्राम करते हैं, और यहाँ पर आके आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आने वाली है। मतलब ये कह सकते हैं कि यह गोवा की नाइट पार्टी है। इसका नाम कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अगर आप पूछोगे तो आप पूछ सकते हैं कि हिल टॉप मार्केट कहाँ पर है, फ्राइडे नाइट मार्केट कहाँ पर है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि गोवा कलेक्टिव बाज़ार कहाँ पर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप जस्ट बागाटोर बीच आ जाओ। बागाटोर बीच से लगभग ये 1.5 किलोमीटर दूर है। तो फ्राइडे नाइट मार्केट कैसे जाएं या फिर गोवा कलेक्टिव बाज़ार कैसे जाएं, हिल टॉप मार्केट कैसे जाएं, आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं। तो आपको कहां पर आना पड़ेगा? बागाटोर बीच उसके पास ही है, या फिर आप गूगल मैप का सहारा भी आसानी से ले सकते हैं। और अगर बात की जाए कि ये किस दिन लगती है, तो जस्ट सिंपल से इसके नाम में ही लिखा है फ्राइडे नाइट मार्केट, मतलब हर शुक्रवार को यह लगती है। कहाँ पर? हिल टॉप गोवा में या फिर बागाटोर के बीच के पास, मीन्स आपको बागाटोर बीच आना पड़ेगा। तो यह मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक की हैं, आप देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।